हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने उनके रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज कर दिया है। जैसे कि दोस्तों आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंड ओपन लर्निंग के तरफ से, मतलब आईडीएल के तरफ से नोटिस रिलीज हुआ है। अब नोटिस काय का वो भी देख लीजिए। हेल्पलाइन टू सॉल्व क्वेरी रिलेटेड टू ऑनलाइन पेमेंट। यस दोस्तों, कि आपको जो भी क्वेरी है रिलेटेड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जो स्टूडेंट मेरे से भी ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि सर एरर दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उनका सबका डाउट इधर क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया है, जिन्होंने केटी का फॉर्म फिलअप किया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट फंसा हुआ है, दो बार पेमेंट हो गया, यूनिवर्सिटी से पेमेंट रिटर्न नहीं हुआ है, तो ये सभी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और चैनल को जब आप दोस्तों सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, बिकॉज इसी तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों ये देखिए कि स्टूडेंट ने अगर फिलअप किया है ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, फॉर्म फिलअप करने को लेके और पेमेंट करने के प्रोसीजर में से लेके कोई भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम है, मतलब खासकर तो इन्होंने बोला हुआ है ओनली पेमेंट प्रोसेस सच एज, मतलब पेमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, हर एक चीज़ कर दिया, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके रिलेटेड ये हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया हुआ है। अब पेमेंट में भी दोस्तों देखिए क्या क्या है। कुछ लोगों के तरफ से डबल पेमेंट हो गया, मतलब एक बार पेमेंट होने के बाद फिर से दोबारा पेमेंट हो चुका है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना है वो भी बताऊँगा दोस्तों। दूसरा है कि पेमेंट फेल हो गया है, ठीक है, लेकिन जो आपका अमाउंट डेबिट कार्ड है उधर से अमाउंट निकल चुका है, मतलब अमाउंट जा चुका है, ठीक है। सेंस ऑफ टाइम ऑफ आफ्टर द पेमेंट प्रोसेस इज द पेमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, आपके तरफ से पेमेंट आउट हो चुका है लेकिन पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर इंटायर द कार्ड इज शोइंग इन द कार्ड डेट डिटेल नॉट फाउंड, अगर आपका कार्ड हर एक चीज़ उधर डिटेल नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई भी एरर आ रहा है, कहने का मतलब है पेमेंट को लेके आपने डबल पेमेंट कर दिया या पेमेंट में एरर दिखा रहा है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दोनों रिलीज किया हुआ है। कस्टमर कार्ड का जो ईमेल आईडी है दोस्तों उधर ये दिख रहा है, ठीक है, कस्टमर केयर के, तो दोस्तों ये जो कस्टमर केयर के ईमेल आईडी दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा, आप दोस्तों इधर मेल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जो इस वक्त आप इधर देख रहे हो, और ये हर कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आपको पता है हेल्पलाइन का, मुंबई यूनिवर्सिटी का, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक रहता है, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर 9 से 9 तक का है, मतलब यार पेमेंट की बात है तो पेमेंट के लिए भाई कोई भी पीछे रहेगा नहीं, तो भाई हार्डवर्क करेगा पेमेंट आने को लेके, और ये नंबर वर्क करेगा। जैसे कि आप लोगों का कहना है कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी का नंबर वर्क नहीं करता है, दोस्तों पेमेंट की बात है तो ये नंबर वर्क 100% करेगा। और दो एक्स्ट्रा आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, मतलब पर्सनल शिवानी मैम है एंड आशा मैम है, इनका दिया गया है, तो अगर आपको इनके रिलेटेड भी कुछ है तो आप इधर भी मेल करके आप उनसे क्वेरी पूछ सकते हो। दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, 3 इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है और ट्रांजेक्शन होने में प्रोसेस या लोडिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको दोबारा जो भी मतलब प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस के लिए आपको वेट करना था, लोडिंग हो रहा है, अब उसमें 10 बार कुछ ये वो प्रोसेस मत करो, आप 45 मिनट तक का वेट करो, प्रोसेसर मतलब जो भी रहेगा वेट करने के बाद हो जाएगा सही। देन उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया और उसमें फेल हो गए, तो दूसरा ट्रांजेक्शन रीअटेंड तभी करना जब 45 मिनट हो चुका हो, मतलब आफ्टर 45 मिनट के बाद ही आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन करना है। आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप तभी हॉल टिकट सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये पूरा रीड करना है तो आपको मेरे वेबसाइट पर कुछ टाइम में मिल जाएगा, और इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।